हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं। वोकैब करने वाले हैं, राइट? वोकैब आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। वोकैब को सीखने के लिए अलग अलग मेथड हमारे पास होते हैं, पर मैं सभी मेथड एक साथ यहाँ पर डिस्कस आपके साथ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाने वाला है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे जिस मेथड को सीखेंगे वैसे ही उससे पहले उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। वन बाय वन हम हर एक मेथड पे वर्क करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी मेथड को छोड़ेंगे, वन बाय वन हम हर एक मेथड पे वर्क करेंगे। और जब हम जिस मेथड को देखेंगे वहीं पर उसको थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि ये मेथड कैसे काम करता है, राइट? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रूट मेथड। रूट मेथड आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि रूट मेथड से हम वोकैब लर्न कर लेते हैं इजीली, ठीक है? तो क्या होता है रूट मेथड, थोड़ा सा मैं आज आपको एक इंट्रोडक्शन रूट मेथड की देने की कोशिश करूँगी। और इंट्रोडक्शन हमारी बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन हमारी बहुत हेल्प करता है। हम इंट्रोडक्शन को लाइटली ले लेते हैं, पर लेना नहीं चाहिए। अच्छे से अगर आपको ये समझ में आ जाए ना कि ये क्या है, वो चीज़ क्या है जिसको आप स्टडी कर रही हैं, तो उसको स्टडी करना फिर क्या हो जाता है, और भी आसान हो जाता है, और चीज़ें जो है वो आपको लॉजिकली वर्क करते हुए दिखाई देती हैं फिर, राइट? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसको, रूट मेथड को। तो थोड़ा सा हम रूट मेथड को जान लेते हैं कि रूट मेथड क्या होता है। देखिए उसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिखाई देता है जो रूट की तरह काम करेगा, ठीक है? उससे पहले आप कोई वर्ड ऐड कर सकते हो जिसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, उसके बाद भी आप कुछ ऐड कर सकते हो जिसको हम सफिक्स बोलते हैं। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू आर गोइंग टू यूज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स बोथ विद द रूट वर्ड, राइट? यू कैन यूज़ ओनली वन प्रीफिक्स और द अदर सफिक्स, और यू कैन यूज़ बोथ, राइट? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि रूट के साथ आपको दोनों ही चीज़ें दिखाई दे, प्रीफिक्स भी और सफिक्स भी। नहीं, आपको प्रीफिक्स भी दिखाई दे सकता है सिर्फ रूट के साथ, आपको सफिक्स भी दिखाई दे सकता है रूट के साथ, आपको सिर्फ रूट भी दिखाई दे सकता है कई बार, या फिर आपको दोनों वर्ड जो हैं वो दिखाई दे सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों रूट के साथ दिखाई दे सकते हैं, राइट? और प्रीफिक्स को और सफिक्स को हम अफिक्सिस भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, दोनों ही अफिक्सिस का पार्ट होते हैं, एक पार्ट प्रीफिक्स है एक पार्ट सफिक्स है। तो इतना हमें समझ में आया। हम क्या करते हैं, रूट के मीनिंग को समझते हैं, रूट के मीनिंग को समझते हैं और प्रीफिक्स के मीनिंग को समझते हैं, और फिर जहाँ पर ये रूट आपको दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रीफिक्स आपको दिखाई देगा, अलग अलग प्रीफिक्स भी आपको दिख सकते हैं एक ही रूट के साथ। तो आपको प्रीफिक्स का मीनिंग अलग से पता है, रूट का मीनिंग अलग से पता है, आप क्या कर जाते हो, पूरे वर्ड को आप मीनिंग उसका निकाल लेते हो, पूरे वर्ड को आप रिलेट कर पाते हो, क्योंकि आपको उस प्रीफिक्स का, पर्टिकुलर प्रीफिक्स का मीनिंग आपको पता है, उस पर्टिकुलर रूट का मीनिंग आपको पता है। तो फिर आप वो कोई भी प्रीफिक्स रूट के साथ चेंज करके दे रहा है, या कोई भी रूट चेंज करता है प्रीफिक्स के साथ, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मीनिंग अब पता है, तो हम रिलेट इजीली कर सकते हैं, राइट? अब देखिए प्रीफिक्स से सफिक्स से होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं हम प्रीफिक्स को सफिक्स को, राइट? कई बार क्या होता है कि प्रीफिक्स की वजह से, सफिक्स की वजह से क्या हो जाता है, रूट के मीनिंग में चेंज आ जाता है। पर कई बार, कंपलसरी नहीं है कि रूट का मीनिंग हर बार चेंज हो, ओके? या फिर कई बार ये देखा गया है कि जब हमें उस रूट को अलग तरह से यूज़ करना है, यानी कि एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह उसको लेकर आना है, तो हम उसमें कुछ ऐड कर देते हैं जिससे उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती है, सिर्फ मीनिंग चेंज नहीं होता, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि मीनिंग वही रहता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाती है, तो हम उसको फिर उस पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं यहाँ आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ, प्रीफिक्स का एग्जाम्पल और एक सफिक्स का एग्जाम्पल, कि एक में मीनिंग चेंज होगा और एक में नहीं होगा, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर लेते हैं, हम सफिशिएंट को ले लीजिए। सफिशिएंट जो है एक वर्ड है हमारे पास, क्या वर्ड है, सफिशिएंट। सफिशिएंट एडजेक्टिव का काम करता है, राइट? द फूड इज़ सफिशिएंट, ठीक है, भोजन पर्याप्त मात्रा में है, द फूड इज़ सफिशिएंट, ओके। लेकिन अगर मैं सफिशिएंट से पहले लगा दूँ इन, यानी कि मैंने क्या किया, सफिशिएंट से पहले इन प्रीफिक्स को ऐड कर दिया, तो इन क्या करता है, एक नेगेटिव वे में काम करता है, ठीक है? जो भी चीज़ है, जो भी वर्ड है जिसके पहले आपने इनको लगाया है, उसको नेगेटिव करने का काम वो करता है, ओके? तो जैसे ही मैंने इन लगाया सफिशिएंट के सामने, तो क्या हो गया, फूड हमारा अपर्याप्त हो गया, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हुई नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज नहीं हुई, पार्ट्स ऑफ स्पीच वही है,
वो चेंज नहीं हुई, लेकिन मीनिंग चेंज हो गया ड्यू टू दी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के आने की वजह से मीनिंग हमें क्या दिख रहा है, चेंज दिख रहा है, राइट। पहली बात तो हमने ये समझ ली कि सिर्फ मीनिंग चेंज हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती हुई हमें नहीं दिखाई दी। दूसरी बात, जब मीनिंग चेंज नहीं होता, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको चेंज होती दिखाई देती है, उसको देखें। ऑनेस्ट जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, हम बोल देते हैं कि वो एक ईमानदार आदमी है। ऑनेस्ट मैन एडजेक्टिव का काम किया नाउन से पहले आया तो। और लेकिन अगर मुझे ऑनेस्ट को अगर मुझे नाउन की तरह रखना है अगर, तो फिर मैं कैसे रखूँ, क्योंकि वो तो एडजेक्टिव है, बट मुझे यूज़ करना है उसको नाउन की तरह। तो हमने क्या किया, ऑनेस्ट में एक वाई को ऐड कर लिया और हमने इसको बना दिया ऑनेस्टी। तो हम इसको अब एक नाउन की तरह यूज़ कर सकते हैं, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर ऑनेस्टी को कैसे यूज़ किया गया है, नाउन की तरह। तो यानी कि अब हमने क्या देखा कि अब यहाँ पर इसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या चेंज हुई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इस तरह से खाली सफिक्स से भी कई बार ऐसा हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाए, खाली प्रीफिक्स से ऐसा हो सकता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाए, राइट। कई बार मीनिंग चेंज कर सकता है सफिक्स ऐड करने से, प्रीफिक्स ऐड करने से। तो वो चीज़ें हम धीरे धीरे क्या, जैसे जैसे हम वोकैब पढ़ेंगे तो हम सीखते चले जाएंगे उन चीज़ों का साथ साथ ही, ठीक है। आई होप एक छोटा सा यहाँ से आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गया होगा रूट मेथड का, कि वो कैसे वर्क करता है। तो दूसरी चीज़, जब आप एक वोकैब को सीखने जा रहे हैं तो दूसरी चीज़ क्या होती है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है, दूसरी चीज़ होती है प्रोनंसिएशन, राइट। यू शुड ऑल्सो लर्न द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट वर्ड, वट एवर वर्ड यू आर गोइंग टू लर्न, यू शुड लर्न द प्रोनंसिएशन ऑल्सो। प्रोनंसिएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर लर्निंग वोकैब, राइट। अगर आप वोकैब लर्न कर रहे हैं तो प्रोनंसिएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो प्रोनंसिएशन को भी बिल्कुल आपको साथ साथ लेके चलना है यहाँ पर। हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस अ वर्ड, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोनाउंस अ वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इफ़ यू आर लर्निंग वोकैब, ठीक है। तो अभी हम विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट वर्ड, हम अपना पहला वर्ड जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, ग्राफ। क्या वर्ड है हमारा, ग्राफ। और दूसरा वर्ड क्या है हमारा, ग्रफी। दूसरा वर्ड क्या है हमारा, ग्रफी। मीनिंग क्या होता है ग्राफ या ग्रफी का, देखिए ग्राफ या ग्रफी जब भी आपको दिख जाएगा तो आप उसको किससे रिलेट करेंगे, उसके मीनिंग को किससे रिलेट करोगे, राइटिंग से, स्टडी से, या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने से, या फिर अकाउंट मेंटेन करने से आप क्या करेंगे, उसको रिलेट करोगे। जैसे ही आपको किसी वर्ड के अंदर ग्राफ दिखेगा, ग्रफी दिखेगा, तो आप क्या करेंगे, उसको रिलेट किससे करेंगे, राइटिंग से, स्टडी से, रिकॉर्ड मेंटेन करने से आप उसको करेंगे रिलेट, या फिर मेकिंग से आप रिलेट करेंगे उसे, या फिर आप अकाउंट मेंटेन करने से उसको रिलेट करेंगे। तो अब हम ग्राफ और ग्रफी से बनाए गए कुछ वर्ड्स को देखेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जहाँ आपको प्रीफिक्स ऐड मिलेगा, कुछ वर्ड ऐसे होंगे जहाँ आपको सफिक्स ऐड मिलेगा। तो ग्राफ और ग्रफी पे बेस्ड कुछ वर्ड्स हम देखने वाले हैं आज, राइट। तो पहला वर्ड हम देखते हैं वो क्या है, केकोग्राफी। क्या वर्ड है, केकोग्राफी। तो ग्रफी है, अभी हम सीख कर आए हैं ऊपर कि ग्रफी अगर आपको रूट वर्ड दिख जाता है तो उसका मीनिंग आपको क्या लगाना है। तो देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपको मीनिंग नहीं भी पता है, कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं भी पता है, तब भी आप एक आइडिया आप यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि ग्रफी को अभी हम ऊपर लर्न कर आए हैं। इस वर्ड के अंदर एक रूट वर्ड, दो रूट वर्ड है, राइट, दो रूट वर्ड है, केको एक ग्रफी। तो एक रूट वर्ड का मीनिंग तो आपको पता है ना, तो एटलीस्ट बेशक आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग आप नहीं बता पा रहे, आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन एक आइडिया तो आप लगा सकते हैं ना कि हाँ कहीं ना कहीं किससे रिलेट करेगा, राइटिंग से, स्टडी से, अकाउंट मेंटेन करने से, रिकॉर्ड मेंटेन करने से, मेकिंग से, इस तरह से कहीं ना कहीं रिलेट करने वाला है। तो एक आइडिया आप लगा पाते हैं, रूट मेथड का ये बेनिफिट होता है। ओके, बेनिफिट भी तो समझना है ना, क्यों रूट मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिट भी तो पता लगना चाहिए ना, तभी तो हम यूज़ करेंगे उस चीज़ को। तो बेनिफिट ये है कि अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता है, इफ़ यू डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, देन एटलीस्ट यू कैन रिलेट द वर्ड, राइट, एटलीस्ट यू कैन रिलेट द वर्ड विद यू, राइट, कि हाँ इसका मीनिंग क्या हो सकता है, आप उससे उसको रिलेट कर सकते हैं अगर आप रूट मेथड पे वर्क आपने किया हुआ है तो, ठीक है। तो हर एक मेथड अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, हर एक मेथड इंपॉर्टेंट है, और वी आर गोइंग टू वर्क ऑन एवरी मेथड बाय एंड बाय, राइट। हर एक मेथड पर हम धीरे धीरे ग्रेजुअली वर्क करने वाले हैं। तो केकोग्राफी हम डिस्कस कर रहे थे। केको हमारा जो है वो दो वर्ड से मिला है, केको से दो रूट वर्ड हैं, केको एंड द सेकेंड इज ग्रफी। तो केको का जो मीनिंग आता है ना बेटा, देखो केको का मीनिंग आता है बैड, मैसी, हार्श, ईविल। क्या मीनिंग आता है केको का, बैड, मैसी, हार्श, ईविल। ग्रफी का मतलब क्या आता है, राइटिंग, यानी कि
जो बैड है, ऐसी राइटिंग जो बैड है, बैड हैंड राइटिंग होती है, जैसे हम बोले थे ना योर हैंड राइटिंग इज़ वेरी बैड, योर हैंड राइटिंग इज़ केकोग्राफी, ठीक है ना, बैड राइटिंग है आपकी हैंड राइटिंग। आपको देखिए स्टूडेंट्स, आप सेंटेंस फ्रेम करने की भी कोशिश करेंगे, राइट। हम अभी हालांकि उस मेथड पर वर्क नहीं कर रहे हैं, सेंटेंस मेकिंग भी एक मेथड होता है वोकैब को सीखने का, लेकिन फिर भी अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं, इफ़ यू कैन मेक सेंटेंस ऑन द वर्ड विच वी आर लर्निंग, देन इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। ओके, इफ़ यू कैन डू दैट देन इट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मैं वैसे एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देते हुए चलूँगी, और आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप रिलेट कर पाएँ और उसका एक एग्जाम्पल आप बना पाएँ। और अगर आप एग्ज़ाम्पल बना रहे हैं देन प्लीज़ कमेंट मी दैट एग्ज़ाम्पल इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा क्या, कैकोग्राफी को हमने यहाँ पर देखा है। कैको का मतलब होता है मैसी, ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, तो मैसी बैड राइटिंग होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैकोग्राफी हम उसको बोलने वाले हैं। तो नेक्स्ट वर्ड हम देखें कैलीग्राफी, ग्राफी का मतलब राइटिंग, कैली का मतलब ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल राइटिंग जिसकी होने वाली है, कैली का मतलब ब्यूटीफुल, ग्राफी का मतलब राइटिंग, ब्यूटीफुल राइटिंग को आप क्या बोलते हो, कैलीग्राफी बोलते हो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कैलीग्राफी। अगर किसी की राइटिंग बहुत सुंदर है तो आप क्या बोलोगे, कैलीग्राफी। ओके, देयर आर सम कैलीग्राफी इन दीज बुक्स ऑफ मैनुस्क्रिप्ट, ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है कि इन बुक्स में मैनुस्क्रिप्ट्स की कई क्या हैं, कैलीग्राफीज हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो कैलीग्राफी का। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी देखिए ये वर्ड जो है ना, तीन रूट वर्ड हैं, ऑटो बायोग्राफी, ऑटो बायोग्राफी अलग अलग सीखते हैं। ग्राफी को अभी सीखा है हमने राइटिंग, बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो को किससे रिलेट करोगे स्टूडेंट, लाइफ से। ऑटो का मतलब सेल्फ, तो यानी कि सेल्फ लाइफ राइटिंग, यानी कि अपनी लाइफ के बारे में लिखना, यही तो हो गया ना। अगर देखो आप एक छोटा सा यहीं से ही आप अगर निकालना चाहें कि यहाँ से ही क्या बनेगा मीनिंग निकालना चाहें, तो क्या बनेगा, सेल्फ लाइफ राइटिंग, अपनी लाइफ के बारे में लिखना। तो ए बुक अबाउट अ पर्सनस लाइफ दैट इज़ रिटन बाय दैट पर्सन, राइट, रिटन बाय दैट पर्सन, उसी पर्सन ने वो बुक लिखी है और उसी पर्सन की लाइफ के बारे में है। और आप बोल सकते हैं टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, ठीक है, टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, अपनी खुद की लाइफ के बारे में लिखना क्या कहलाता है, ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। ग्राफी बोलेंगे, ध्यान रहे ग्राफी नहीं ग्राफी, ग्राफी। ओके, तो इसको आप बोलोगे ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो इस पर आप एग्जांपल बना सकते हो, हर ऑटोबायोग्राफी इज़ द बेस्ट सेलर, यानी कि उसकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो क्या बहुत ज़्यादा बिकी है, तो आप बना सकते हैं। आप क्या बना रहे हैं वो भी मुझे बताएं, ऑटोबायोग्राफी। तो तीन वर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, अब आप मुझे बिना देखे बताएंगे वो वर्ड्स, बिना देखे आप लोग रिपीट करेंगे कि कौन कौन से वर्ड हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। सबसे पहले तो रूट वर्ड हमारा क्या चल रहा है, ग्राफी या ग्राफी आप बोल सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है, राइटिंग से रिलेट कर रहे हो उसको, स्टडी से रिलेट कर रहे हो उसको, उसको अकाउंट मेंटेन करने से रिलेट कर रहे हो उसको, रिकॉर्ड मेंटेन करने से रिलेट कर रहे हो उसको, मेकिंग से रिलेट कर रहे हो, राइट। फिर इस पे बेस्ड हमने जो पहला वर्ड देखा दैट इज़ कैकोग्राफी, कैकोग्राफी कैको और ग्राफी दो वर्ड से मिला है, कैको मीन्स बैड, मैसी, ईविल, हार्म। ओके, ग्राफी का मतलब क्या हो जाता है, राइटिंग, तो बैड हैंड राइटिंग को आप बोल सकते हैं कैकोग्राफी। फिर दूसरा वर्ड हमने देखा कैलीग्राफी, कैली मैंने ब्यूटीफुल, ग्राफी मैंने राइटिंग, तो ब्यूटीफुल राइटिंग से रिलेट कर सकते हो किसको, कैलीग्राफी को। फिर नेक्स्ट वर्ड हमने देखा ऑटोबायोग्राफी, आप भी अपने माइंड में रिपीट करें स्टूडेंट्स, आप भी अपने माइंड में रिपीट करें। नेक्स्ट वर्ड हमने क्या देखा स्टूडेंट्स, ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मैंने सेल्फ, बायो मैंने लाइफ, ग्राफी मैंने राइटिंग, तो सेल्फ लाइफ राइटिंग यानी कि ए बुक है अबाउट अ पर्सनस लाइफ दैट इज़ रिटन बाय दैट पर्सन, उसी पर्सन ने लिखी है। या फिर आप बोल सकते हैं टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, अपनी खुद की ज़िंदगी के बारे में जब आप लिखते हैं तो उसको आप बोल सकते हैं ऑटोबायोग्राफी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और एक एग्जांपल भी, एग्जांपल एक सेंटेंस भी आप खुद से फ्रेम करने की कोशिश करें और उसे भी मुझे कमेंट करें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, दैट इज़ बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या वर्ड है हमारा, बिब्लियोग्राफी, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, ग्राफी का मतलब राइटिंग, बुक्स राइटिंग यानी कि बुक्स के बारे में लिखना,
बुक्स के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत पड़ जाती है? देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है, आप एक रिपोर्ट तैयार करते हैं या आपने कोई बुक तैयार की है, पर उस बुक को लिखने के लिए, उस रिपोर्ट को लिखने के लिए आपने क्या की, रेफरेंस लिया अलग अलग बुक्स की, राइट? तो आपने जिन जिन बुक्स की रेफरेंस लिया, आप क्या करते हैं, उन बुक्स की एक लिस्ट जो है वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपने गूगल किया हो, वहाँ पर विकिपीडिया पे आप कभी गए हो, तो वहाँ पर ये आपको मिल जाएगी बिब्लियोग्राफी, कि ये कंटेंट जो है वो दिखाता है कि ये कंटेंट हमने किस किस बुक से लिया है, किस किस बुक्स की रेफरेंस ली गई है उस कंटेंट में, राइट? तो वहाँ पर गूगल पर आपको बिब्लियोग्राफी देखने को मिल सकती है। तो क्या मतलब होता है, रिटन लिस्ट है, ठीक है, रिटन लिस्ट है, लिखी गई है लिस्ट ऑफ बुक्स की, ठीक है, यूज्ड इन ए रिपोर्ट और बुक। रिटन लिस्ट है किसकी, बुक्स की, जो कि यूज़ की गई है किस में, एक रिपोर्ट और बुक के अंदर, ठीक है। बुक्स की वो लिस्ट जो किसी रिपोर्ट या बुक के अंदर यूज़ की गई है, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। क्या बोलते हैं उसको स्टूडेंट्स, बिब्लियोग्राफी। तो ठीक है, आज का लास्ट वर्ड अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, डिमो बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, डिमो, डिमोग्राफी, डिमोक्रेसी जब आप बोलते हो, तो डिमो का मतलब क्या होता है, प्रजा, प्रजातंत्र, राइट? प्रजा, प्रजा मैंने ह्यूमन, पीपल, राइट? तो यहाँ पर भी आप डिमो को किससे रिलेट करोगे, पीपल से, ह्यूमन से। ग्राफी का मतलब राइटिंग होता है, या स्टडी आप बोल सकते हो, ठीक है, राइटिंग, लिखना या फिर स्टडी करना ह्यूमन्स को, तो उसको आप डिमोग्राफी बोल सकते हो, राइट? किस परस्पेक्ट में स्टडी करना ह्यूमन्स को, देखिए ह्यूमन्स को जब आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टडी कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं उसको, कैसे कि नंबर ऑफ करेक्टरिस्टिक जैसे कि रिलेट करते हैं, यहाँ पर आप बर्थ से, मैरिज से, डेथ से, ठीक है, ये सब स्टडी जब आप कर रहे हैं ह्यूमन्स के बारे में किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उसको आप डिमोग्राफी बोलते हो। क्या बोलते हो आप उसको, डिमोग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन्स इन रिलेशन विद द बर्थ, मैरिज, डेथ एट्सेट्रा इज नोन एज डिमोग्राफी। एक पर्टिकुलर एरिया में ये आप करते हो, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 वर्ड्स के साथ ही हम आज का सेशन अपना ओवर करते हैं। एनी 5 वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से रिवाइज्ड करना है, देखना है, और पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद से लिखने हैं ये, और खुद से इनके एग्जांपल्स भी आपको अपने आप से लिखने हैं कि आप कैसे इसको रियल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा सेंटेंस ही इंग्लिश में लिखें, नहीं। जब आप स्टार्टिंग करते हैं वोकैब सीखने की, तो हमारे पास क्या होता है, लैक ऑफ वोकैब होती है, कमी होती है वोकैब की, राइट? एंड इफ़ यू आर गोइंग टू राइट ए सेंटेंस देन यू नीड वोकैब। लेकिन अभी हमारे पास वोकैब की क्या है, कमी है, अभी वोकैब नहीं है हमारे पास, अभी तो हमने सीखनी स्टार्ट किया, राइट? तो इफ़ यू आर फ्रेमिंग एनी सेंटेंस, इफ़ यू आर राइटिंग एनी सेंटेंस एंड यू फेस एनी वर्ड विच यू डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट इन इंग्लिश, राइट? विच वर्ड वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर दैट वर्ड इन इंग्लिश, उस वर्ड के लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे इंग्लिश में, अगर आपको वो वर्ड बोलना है, अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एग्जांपल को, अभी के लिए अपने एग्जांपल को आप बायलिंगुअल में भी लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप वोकैब सीखते जाएंगे, तो आपको उस वर्ड की, जिस वर्ड की अभी आपको मीनिंग जो है इंग्लिश में नहीं पता है, जिस वर्ड के बारे में आपको कि इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे, उस वर्ड का आपको पता चलता जाएगा, और आप क्या करते रहेंगे, उस सेंटेंस के अंदर जहाँ आपने वो हिंदी वर्ड लिखा है, अब आप जानते हैं कि उस हिंदी वर्ड की जगह क्या आना है इंग्लिश में, कौन सा वर्ड आपको यूज़ करना है, तो आप क्या करेंगे, उस वर्ड को हटाएंगे और वहाँ पर वो वर्ड जो आपने अब सीख लिया है, आपको पता है कि हाँ ये वर्ड यहाँ पर आना था, उसको लिखेंगे, राइट? फिलहाल के लिए आप बायलिंगुअल में भी अपने एग्जांपल को लिख सकते हैं, देर इज़ नो इशू, नो प्रॉब्लम, राइट? दिस इज़ आवर स्टार्टिंग टू लर्न वोकैब, ठीक है? तो घबराना नहीं है, चीज़ें हमें जैसे आ रही हैं वैसे सीखते चलो यार, इन्जॉय करो लर्निंग को, लर्निंग इज़ अ इन्जॉयमेंट, राइट? तो ठीक है, अभी हम फर्दर वोकैब कल डिस्कस करेंगे अपने कल वाले लेक्चर में। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, देन प्लीज़ शेयर माई वीडियो इफ़ यू लाइक इट, राइट? हर एक स्टूडेंट तक जिसको इसकी ज़रूरत है, उस तक अगर अच्छा कंटेंट पहुँच पाए, और आप अगर उसमें एक पार्ट रोल कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर सकते हैं, तो इट्स वेरी गुड। थैंक यू स्टूडेंट्स।